एक तो आपने ऑलरेडी 50-60 हजार रुपए का रिकॉर्ड प्लेयर खरीद चुके हैं, फिर इसको अपग्रेड करने के लिए आप सोच रहे हैं कि और बेटर क्या कर सकता हूँ, फिर दोबारा आप 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया खर्च करने के लिए सोच रहे हैं। आपको खर्च करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम दिखाएंगे कि एक बेसिक रिकॉर्ड प्लेयर या तो जो नॉर्मल रिकॉर्ड प्लेयर आपके पास है उसको अपग्रेड करके और बेटर साउंड क्वालिटी में कन्वर्ट करके क्या हो सकता है वो हम बताएंगे। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कि एक कार्टिज को अपग्रेड करने के बाद इसका साउंड क्वालिटी क्या रहता है, इसका अपग्रेडेशन क्या रहता है और एक कार्टिज को हम कैसे इसको रिप्लेस करते हैं, एक वन बाय वन सारा स्टेप आपको दिखाएंगे। 2M ब्लू का ब्रांड न्यू कार्टिज है, सील्ड पैक विद बारकोड एंड ऑफकोर्स सीरियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सील, ताकि अवॉइड एनी काइंड ऑफ डुप्लीसिटी इन द कार्टिज देयर। और ये पूरा कार्टिज से जस्ट हम स्टाइलस को निकालेंगे और इस स्टाइलस को निकाल के 2M रेड का जो कार्टिज है उसी स्टाइलस को रिप्लेस करके 2M ब्लू का स्टाइलस रहेगा और 2M रेड का कार्टिज रहेगा। आइए देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। देखिए एक वेलवेट का बॉक्स बना हुआ है और इसके नीचे इसका एक मैनुअल भी होगा। ये है कार्टिज का मैनुअल, ये भी अलग हो जाता है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पूरा कार्टिज है, हम इस पूरा कार्टिज को नहीं लगाएंगे, ये जस्ट एक कवर है। कवर के नीचे स्टाइलस अलग से, इस जगह से स्टाइलस अलग हो जाता है जो कि 2M रेड में हम लगाएंगे। इसमें इसके अंदर देखिए एक माइनस स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है जो कि कार्टिज का जो हेड का टॉप हेड का जो स्क्रू है उसको अलाइन करने के लिए या टाइट या लूज करने के लिए। इसके साथ एक ब्रश दिया हुआ है, इस ब्रश से आप पिन पे या तो नीडल पे अगर किसी भी तरह डस्ट वगैरह आता है तो आप आराम से क्लीन कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत सॉफ्टली करना है। और ये स्क्रू है, ये स्क्रू अभी हमारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जो स्क्रू एग्जिस्टिंग स्क्रू है उसी स्क्रू को ही हम यूज़ करेंगे। इसके साथ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का एक लिंक दिया हुआ है और ये है कार्टिज मैनुअल 2M, ये इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टाइलस है 2M रेड का, अब इसको रख के हम कनेक्ट कर देंगे 2M ब्लू का। ये 2M ब्लू का कार्टिज है दोस्तों, हम पूरा कंप्लीट कार्टिज इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2M रेड और 2M ब्लू का कार्टिज सेम है बट ये स्टाइलस अलग है, स्टाइलस स्पेशल है। तो इस स्टाइलस को चेंज करेंगे मतलब 2M ब्लू हो गया है। अब इसको सॉफ्टली, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा, जब तक ये एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता तब तक आप पुश मत कीजिएगा। अब ये फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा पुश कीजिए, बस ये हो गया। अभी इस कार्टिज को हम बाद में यूज़ कर लेंगे, इसको 2M रेडी माना जाएगा। ये है, ये हो गया अभी कंप्लीट।
चलिए अब सुनते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get